नमस्कार, आइए आज बात करते हैं मक्के की फसल के बारे में। इस साल मक्के की कीमतों में काफ़ी समय से एक सीमित दायरे की तेज़ी और मंदी दिखाई दे रही है। तेज़ बारिश होने की वजह से इस साल कई राज्यों के मक्के की फसल को नुकसान पहुंचा है। ऐसी स्थिति में बढ़िया माल के कीमतों में ज़्यादा गिरावट आने के चांसेस नहीं है। हालांकि सरकारी खरीद पर भी डिपेंड करेगा कि मार्केट मंदी रहेगी या तेज़ रहेगी। इस बार सरकार ने समर्थन मूल्य, जिसको हम MSP बोलते हैं, उसे बढ़ाकर 1860 घोषित कर दिया है, पर अभी भी मक्के की फसल उससे नीचे में ही, कम दामों में ही बिक रही है। तेलंगाना के साथ ही कई राज्यों ने यह निर्णय लिया है कि अब वह मक्के की खरीद MSP पर करेंगे। आइए एक नज़र डालते हैं पोल्ट्री उद्योग पर। पोल्ट्री मार्केट की हालात सुधर रहे हैं, जिसकी वजह से उनका डिमांड भी बढ़ रही है। मक्के की मांग सर्दियों में ज़्यादा होने की वजह से कीमतों में उछाल निश्चित है। अक्टूबर एंड होने वाला है और अभी तक पिछले साल के मुकाबले कम आवक हुई है, जिसकी वजह से कीमतों में 150 से 200 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल संभव है। मार्केट्स की ऐसी ही न्यूज़ और कमोडिटी रिपोर्ट्स के लिए फसल सलाह डाउनलोड करें और हमारी कमोडिटी रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।